लाइन एंगल फॉर्मूला, ये तीसरा तरीका है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखाते हो, थर्ड मेथड है। तीसरा मेथड सब लोग तैयार हैं, उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एग्जाम में, लाइन एंगल फॉर्मूला, जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन और स्टिक फिगर भी कहते हैं। क्या है ये थर्ड वाला, जरा आप इसको चेक करो, ठीक है? तो तीसरा वाला चेक करो, उसको जरा ध्यान से समझना। लाइन एंगल फॉर्मूला में हम लोग कार्बन दिखाते ही नहीं है, कंडेंस में हम लोग कार्बन दिखाते हैं, डैश नहीं दिखाते थे। लाइन एंगल में कार्बन नहीं दिखाते, हम हाइड्रोजन भी दिखाते, सिर्फ लाइन ही दिखाते हैं। हम अज्यूम करते हैं और उसको ना लाइनों को टेढ़ा दिखाते हैं। अब जहां जहां से लाइन टेढ़ी हो रही है वहां अज्यूम करते हैं कि कार्बन है, और कार्बन के साथ अज्यूम करते हैं कि वहां हाइड्रोजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, यहां पर देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड इन विच द बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय अ लाइन एंड कार्बन आर अज्यूम्ड, ऐसा मान लेते हैं कि प्रेजेंट है, बड़ा अच्छा तरीका है। और उसमें मान लेते हैं कि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, बिलीव कर लेते हैं हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसकी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। चलो, बॉन्ड लाइन डायग्राम कैसे लिखा जाता है जरा आप देखो, वही सेम तरीका बताता हूं आपको, समझना इसको। मान लो कि अगर मुझे लिखना है C3H8, इसका अगर मैं C3H8 का, अब तीनों लिखूंगा मैं, C3H कंप्लीट फॉर्मूला, C3H कंप्लीट फॉर्मूला कैसे लिखोगे, 1, 2, 3 सारे हाइड्रोजन इस तरह से, ये तरीका है कंप्लीट फॉर्मूला लिखने का, अभी देखे थे हम लोग, सही है? अगर मैं बोलूं इस भाई का कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दो, तो वो तो बहुत ही आसान है, दैट इज CH3 देन CH2 एंड देन CH3। बट अगर मैं बोलूं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखो, लाइन एंगल फॉर्मूला, तो क्या करोगे? कुछ नहीं है, तीन कार्बन में ना आप लाइनों में तीन लाइनें खींचनी है, कार्बन कितने हैं? 3, ठीक है? तो ध्यान से समझो कैसे करोगे, यहां से समझना है इसको, तीन लाइनें नहीं खींचनी, कार्बन 3 दिखाने हैं। कैसे दिखाओगे? मैंने मान लो यहां से शुरू किया, यहां से मैं लाइन को शुरू करूंगा, तो जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां एक कार्बन है, अज्यूम कर लेना। यहां से एक लाइन मैंने खींची, तो ये देखो, ये एंड पॉइंट आ गया, ये पहला कार्बन, तो वो पक्का दूसरा कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गए। अब इस लाइन को मैं अगर नीचे एक, इसी से एक और लाइन खींच दूं कनेक्टेड, तो वो तीसरा कार्बन हो गया। अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे 3 कार्बन डॉट में दिख गए, वो भी मुझे सीरियसली रियली नहीं दिखाने, कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन अज्यूम्ड होते हैं, खेल खत्म। जो मैंने बनाया वो यहां पर प्रोपेन का लाइन डायग्राम है, कितना आसान है जरा चेक करो यार, दिस इज सो इजी। तो ये फाइनल लाइन डायग्राम है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ प्रोपेन। तो मैं जब ऐसे बना दूं तो वो प्रोपेन है। कैन यू गेस दिस इज प्रोपेन, रिगार्डिंग माई पॉइंट आई टेल यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपको बोले, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपको कह दिया कि चलो आप ब्यूटेन बना के बताओ, ब्यूटेन, तो इसका मतलब 4 कार्बन दिखाने, तो बना दो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, हो गया, दिस इज ब्यूटेन, कुछ नहीं करना, खत्म, ब्यूटेन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, ब्यूटेन हो गया। मैं बोलूं बच्चों पेंटेन बनाओ, तो 5 कार्बन बनाने, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, खत्म, ये 5 कार्बन हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारा झंझट ही खत्म, अपनी पेन की इंक कितनी बजेगी, कार्बन खत्म, हाइड्रोजन खत्म, बल्ले बल्ले शामा शामा, समय में आ गया। कोई कह रहा है इथेनॉल बना के बताओ, जैसे कि मान लो आपको बोला इथेनॉल C2H5OH बना के बताना है, सही है? कार्बन कितने हैं? 2, बनाओ, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बना दिया, अब ना OH भी साथ में, तो अब क्या करोगे, यहां पर इस तरह से OH आपको लिखना पड़ेगा, तो ये C2H5OH का तरीका हो गया, 2 कार्बन और तीसरी बार में जो आपने OH लिखा है, अब OH को आपको रियली लिखना पड़ेगा, आपको कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना, इसके अलावा जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास C2H5OH का फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, समझ में आ गया? कतई जहर, सबको समझ में आ गया, इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझ में आ गया सबको, ब्रिलियंट। तो ये कहलाता है आपका बॉन्ड लाइन, जैसे एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि आप जरा चेक करना, ये रहा CH3CH2 होल थ्राइस OH, मतलब ये कितने, तीन और एक 4 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो बहुत आसान है, 4 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, जरा आप चेक करो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये लगा हुआ OH, खत्म।
नेक्स्ट आपके पास जरा आप चेक करो C2H5CHOH बीच में लगा हुआ है, देन CH3 तो कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले तीन कार्बन लेने हैं और इस कार्बन के साथ आपको OH लगाना है, तो ले लो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसके साथ OH और फिर आपके पास CH3 है। क्या है इसके अंदर? फिर आपको कहता है कि CH3 दो लगे हुए हैं, फिर एक CH लगा, फिर CH2 लगा, फिर OH लगा हुआ है, सही है। तो आपको दो CH3 दिखाने हैं इसके साथ, ये एक CH3 दूसरा CH3, फिर CH2 लगा हुआ है, फिर ये OH लगा हुआ है। आपको कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाने, इसके अलावा अगर कोई हेट्रो एलिमेंट आता है या हेट्रो ग्रुप आता है, जैसे कि OH, जैसे कि डबल बॉन्ड O, जैसे कि CHO, तो आपको दिखाना पड़ेगा, ग्रुप आपको दिखाना पड़ेगा। याद रखना ग्रुप्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि कीटोन, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जैसे कि CHO, ये आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, जैसे कि CO, इसमें C नहीं दिखाना रहता, O दिखाना रहता है। आ गया समझ में? तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना होता है। इज दिस क्लियर? तो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम हो गया, सबको समझ में आ गया? तो